अब तक 27,000 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो चुका है। आरटीओ पिछले 5 सालों में अब तक शराब के नशे में गाड़ी चलाने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने, सिग्नल तोड़ने वाले करीब 27,000 वाहन चालकों का लाइसेंस सस्पेंड कर चुकी है। थाने आरटीओ के उप अधिकारी जयंत पाटिल के मुताबिक आरटीओ की तरफ से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। मतलब लफंगी वाहन चालकों को यातायात विभाग लाइसेंस लेस कर रहा है। बता दें कि थाने मेट्रोपॉलिटन शहर बन चुका है और शहर में वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शहर की प्रमुख सड़कों पर सुबह शाम वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। दिन भर की भागदौड़ के कारण कुछ लोग जल्दबाजी में अपने कार्यालय अथवा अपने घर पहुंचने के दौरान यातायात नियम तोड़ देते हैं और हादसों को भी न्योता देते हैं। यातायात नियमों का उचित पालन करने से हादसों को रोका जा सकता है, लेकिन कुछ वाहन चालक शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं। ऐसे चालकों को ट्रैफिक पुलिस, हाईवे पुलिस या आरटीओ द्वारा पकड़ा और दंडित किया जाता है। थाने उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयंत पाटिल ने बताया कि लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 11,150 वाहन चालकों को थाने पुलिस की यातायात शाखा और अन्य विभागों द्वारा 2018 से 2022-23 तक निलंबित कर दिया गया है, जबकि थाने आरटीओ ने 15,750 चालकों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। यातायात नियमों को बार बार तोड़ने वाले चालकों से निपटने के लिए ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द या निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा समिति ने सभी राज्यों को कम से कम 3 महीने के लिए यातायात अपराध करने या नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।